देखिए बाहर से भी देखिए, बाहर से भी आप देखना देखेंगे तो बहुत अच्छी रोशनी है। अभी मैं खोलता हूँ तो रोशनी है, अभी आप देख सकते हैं, बाहर से भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी रोशनी आती है गाड़ी में। पूरा दूर से पीछे की ओर भी रोशनी बहुत अच्छी आती है और ये बहुत अच्छा रहता है। कितनी अच्छी रोशनी आ रही है ये आप देख सकते हैं कि पूरी गाड़ी में कितनी बढ़िया रोशनी है। तो ऐसे ही आपको भी अच्छा लगेगा बाहर से पूरी रोशनी रहने से, कुछ भी रहता है कोई भी चीज़ गाड़ी में है तो आपको दिखाई देती है अच्छी से। अभी पूरा अच्छा से दिखेगा और डोम लाइट का प्रभाव है, कितनी अच्छी रोशनी आती है चारों तरफ से। हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि हम आप अपनी गाड़ी में अपने आप कैसे अच्छी लाइटिंग कर सकते। ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ भी अलग से नहीं किया है, ये बल्ब लगा हुआ है, बल्ब मेरा फ्यूज हो गया था तो ये जो तार है इस तरह का एलईडी मिल जाता है। हमने एक मेटल स्ट्रिप इसको जो है मैकेनिकली टाइट किया है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लगाया है इसमें, और इसलिए कि कभी कभी हमारा जो गाड़ी चलती है तो 12 बोल्ट के बजाय 14 बोल्ट भी आते हैं, उस समय भी ये एलईडी खराब हो जाती है। थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप किया है मेटल स्ट्रिप की, यह जो एलईडी है थोड़ा हीट जनरेट करती है, थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट चल जाते हैं, 5 मिनट जब चलता है तो छोटे समय के लिए कोई दिक्कत नहीं। मेटल स्ट्रिप पे क्लिप पेस्ट करके निकाल करके केवल कुछ नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है, एडिशनल लगा छोटा सा वीडियो है जिससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बैटरी की लाइफ भी आप एनहेंस कर सकते हैं। अब ये बैटरी ये जो इसमें एलईडी जो फिलामेंट वाला बल्ब लगता था वो उसका वोल्टेज 5 वाट होता था और अभी ये बहुत कम वाट, मुझे लगता है 1 वाट से भी कम का है ये एलईडी, और ये अच्छा खासा रोशनी देता है। अब मैं आपको ये रोशनी इसका दिखाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से ऑन करना पड़ा, देखिए कितना अच्छा रोशनी है। दिन में बना ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो रात में का भी एक वीडियो में दिखाऊंगा आपको, बहुत अच्छा रोशनी है इसका और ये बहुत बढ़िया काम करता है। हमने बंद कर दिया लाइट और अब कुछ नहीं करना है इसको, बस जैसे था ऐसे ही एज इट इज। ये डोर में एक लॉक होता है उसी से ऑपरेट होता है, ये उसी हिसाब से ऑपरेट होगा।